गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक शब्द आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रोटेम स्पीकर शब्द है। कई बार छात्र इस शब्द को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, क्योंकि लोकसभा की अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है जिसको हम स्पीकर कहते हैं, और यदि स्पीकर अनुपस्थित है तो जो डिप्यूटी स्पीकर होता है, जो उपाध्यक्ष होता है, वो अध्यक्षता करता है, तो फिर ये प्रोटेम स्पीकर शब्द क्या है और ये कौन सा पद होता है। तो इसी शब्द को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रोटेम स्पीकर दरअसल ये जो शब्द है ना, इसको अन्य शब्दों से भी संबोधित करते हैं। जैसे इसको सामायिक अध्यक्ष, इसको सामायिक अध्यक्ष भी कहा जाता है, और इसको तात्कालिक अध्यक्ष भी कहा जाता है, तात्कालिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी शब्द यदि आता है तो उसका मतलब आपको यही समझना है कि प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहा है। चाहे प्रोटेम स्पीकर दिया हो, चाहे सामायिक अध्यक्ष दिया हो, या तात्कालिक अध्यक्ष दिया हो, प्रश्न उठता है कि ये होता कौन है। दरअसल लोकसभा के चुनाव के बाद नव निर्वाचित सदस्यों में से ही वह सदस्य प्रोटेम स्पीकर होता है जो नव निर्वाचित सदस्यों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। यहाँ पर ये बात मैं आप सभी छात्रों के लिए क्लियर कर दूं कि यहाँ पर वरिष्ठता का मतलब उम्र नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना है। जो सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीत के आया होता है उसी को प्रायः प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनाता है और इसको कौन शपथ दिलाता है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो ये ध्यान रखना कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों में वरिष्ठतम सदस्य होता है, अर्थात जो सर्वाधिक बार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचा होता है। प्रश्न ये उठता है कि ये करता क्या है, ये नव निर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है। तो फिर एक प्रश्न बनता है कि जब ये नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तो इसको शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि ये भी तो नव निर्वाचित सदस्यों में से ही एक होता है, तो ये बिना शपथ लिए क्या किसी को शपथ दिला सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और शपथ ग्रहण कर शपथ लेने के बाद अब यह व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है कि वो अन्य नव निर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाए, और यही इसका मुख्य कार्य होता है, नव निर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाना। और उसके बाद इसका जो स्थान होता है वो तब तक के लिए होता है जब तक लोकसभा के सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव न कर लें। जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो ये ध्यान रखना है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों में से ही एक सदस्य होता है जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, अर्थात सर्वाधिक बार चुनाव जीत कराया हुआ व्यक्ति होता है। वो सत्तारूढ़ पार्टी का भी हो सकता है, वो विपक्षी पार्टी का भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी से ही संबंधित होगा। दूसरी बात कि यह करता क्या है, तो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, और उसके बाद ये अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। शपथ लेने के बाद सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही का प्रतिदिन संचालन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिसे हम स्पीकर के नाम से या अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे छात्र इस शब्द से परिचित हो गए और उनको पता चल चुका है कि प्रोटेम स्पीकर कौन है। जैसे यदि हम कहें कि 2014 के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो कमलनाथ थे, जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नौवीं बार चुनाव जीत करके लोकसभा में आए थे। और पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें वीरेंद्र कुमार को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो इस तरह से उम्मीद है कि हमारे छात्र इस शब्द का मीनिंग समझ चुके होंगे कि प्रोटेम स्पीकर दरअसल होता कौन है। इसी के साथ आप सभी को एक सूचना भी देनी थी कि उत्कर्ष क्लासेज के अंतर्गत एक बहुत ही विश्वसनीय तैयारी या विश्वसनीय ऑफर के अंतर्गत उत्कर्ष ऐप में केंद्र व उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर शानदार डिस्काउंट उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से आप सभी छात्रों को दिया जाना है। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो ऑफर आपके लिए है वो क्या है, वो मैं सिलसिलेवार आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या है।
आप देखें यूपीएससी फाउंडेशन जिसकी ओरिजिनल फीस 90,000 रुपया है, वो ऑफर प्राइस के रूप में केवल आपको 19,500 रुपए में उत्कर्ष क्लासेज आपको उपलब्ध करा रहा है, जो एक बहुत बड़ा ऑफर है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। इसके बाद यूपीपीसीएस फाउंडेशन जिसकी ओरिजिनल प्राइस 45,000 रुपया है, वो ऑफर प्राइस के रूप में मात्र 9,000 रुपए में आपको उत्कर्ष क्लासेज दे रहा है। इसके बाद आप देखें यूपी आरओएआरओ फाउंडेशन जिसकी ओरिजिनल प्राइस 15,000 रुपए है, वो ऑफर प्राइस के रूप में केवल और केवल 3,000 रुपए में उत्कर्ष क्लासेज आपको उपलब्ध करा रहा है। तो जो छात्र इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो बिना विलंब किए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि उनका स्थान सुनिश्चित हो सके। अभी ऑफर खत्म नहीं हुआ, अभी आप आगे देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की जो ओरिजिनल प्राइस है 25,000 रुपये, वो ऑफर प्राइस में केवल 4,500 रुपये में आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस मेन्स टेस्ट सीरीज 2023 जो ओरिजिनल प्राइस 7,500 रुपया है, वो केवल और केवल 3,000 रुपये में उत्कर्ष आपको मुहैया करा रहा है, आपको उपलब्ध करा रहा है। तो इस तरह से आप इस ऑफर का, और ये ऑफर का आपको पता है कि डेट क्या है, 21 जून से 23 जून, यानी समय सीमित है, और आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी सीट पक्की कर लें, क्योंकि 23 जून के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, डिजिटल शिक्षा में नई क्रांति की दिशा में अग्रसर होते हुए उत्कर्ष क्लासेज ने अब ऑनलाइन कोर्सेज के साथ घर पर ही मंगवाएं ऑफलाइन बैच के प्रिंटेड नोट। तो ये बुकशाला के अंतर्गत एक नई पहल उत्कर्ष क्लासेज के तरफ से ये की जा रही है कि जो छात्र ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं उनको ऑफलाइन का मैटर भी उनके घर बैठे बैठे उपलब्ध कराया जाएगा, और ये एक बेहतरीन प्रयास उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से हो रही है। तो ये सूचना आपको मैंने दिया, और जो छात्र इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो जल्दी करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है, 21 जून से 23 जून तक के लिए है, उसके बाद ये ऑफर का लाभ नहीं मिल पाएगा। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।